क्वेश्चन बहुत सारे स्टार क्वेश्चन था, वो माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे उस समय और बहुत सारे थे, मेरे पास यहाँ भी है वो बिल, तो उसमें से बहुत सारा एविडेंस मिला और फिर डिस्कस करके हमने कहा, जैसे आज बात चल रही है कि एक समिति बनाई जाए, तो हमने समिति एनजीओ संस्था कुछ नहीं बनाया, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, पत्रकारों का और बौद्ध भिक्षुओं का और एक्टिविस्ट लोगों का हम एक कोऑर्डिनेशन अलायंस बनाते हैं, जैसे बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल, ये सब मिलकर एक अलायंस है और गठबंधन देश चलाते हैं और इसी तरह का पार्लियामेंट बनाते हैं। हमने वहाँ पार्लियामेंट राष्ट्रीय बौद्ध संसद खड़ा कर दिया और बहुत सारे 300-400 लोगों को मिला के अलायंस तैयार कर दिया और उसमें डिस्कस करा दिया कि आप बताइए वन बाय वन क्या करना, भाषण नहीं, आप अपने घर की कहानी बताएंगे कि मैंने बुद्ध संस्था बनाई, ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं क्या बोले, वो चलना चाहिए, सीधे एक्शन पर बात करो, एजेंडा सेट कर दिया, एजेंडा सेट कर दिया, प्लानिंग सेट हो गई। तो सबसे पहले हमने वहाँ पर आर्टिकल 25 सब क्लास 2 बी में ही हमने करा और हमको मिला संविधान समीक्षा आयोग का पेज नंबर 67 जिसमें संविधान समीक्षा आयोग वेंकट चलैया ने कहा है कि सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू नहीं है, वो पेज मेरे पास है, वो इतनी मोटी बुक है किसी के पास नहीं है क्योंकि वो पढ़ेगा कौन, अटल बिहारी वाजपेयी ने डंप कर दिया, कांग्रेस ने डंप कर दिया, दोनों बुक वो डंप पड़ी है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हमारे फायदे के लिए भी हैं। वो समीक्षा रिपोर्ट जो है उसने साफ कहा है ओमेटेड, इनको हटा दो, सिख, जैन, बौद्ध या हिंदू नहीं है, वेंकट चलैया कमीशन में बहुत सारे लोग मेंबर थे, चेयरमैन वही थे, वो रिपोर्ट को कोट करके फिर हमने पूरी किया क्योंकि ये जो एक और फायदे वाली बात है, 1992 मार्टिन कमीशन एक्ट बना, उस एक्ट में बुद्धिस्ट को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और 2008 में जैन को भी दे दिया, तो 6 हो गए भाई, पारसी, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट 6 हो गए। तो हमको ये फायदा हुआ कि 1992 मार्टिन कमीशन एक्ट में बुद्धिस्ट को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, ये हमको अभी तक लीगल पावर है, कोई पावर आज तक नहीं मिली है, टेक्निकल बात समझिए, क्योंकि फिर वही जाता हूँ पिछले बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब से पहले बौद्धों की गिरी संस्था ने अब तक काम नहीं करना, आज ही कर रही है, आज भी नहीं कर रही है, ये बता दूं आपको, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर क्या होता है, वो चूंकि वहां जब बिल बढ़ा और हमने लॉ मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको जो हमने इधर उधर रिकमेंडेशन भेजा और कमीशन के थ्रू हमने भिजवाया, मार्टिन कमीशन जो भारत सरकार का है क्योंकि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करता है हर केस को, तो क्या हुआ, वो हमारे पास बहुत सारा बेटे जा गया, बेट जिसे बेट बोलते हैं, किसी भी याचिका को दायर करने के आपको एविडेंस चाहिए कि आपने राष्ट्रपति को, कलेक्टर को, किसी को मांग पत्र रखा, अगर सरकार नहीं माना तभी तो आप जाओगे कोर्ट में। वो हमारी याचिका 2016 में एडमिट हो गई, जब उस समय नहीं हुई 2014 में, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 2016 में वो एडमिट हो गया। आज डॉक्टर वेदर कौर भी है उसमें, मैं हूँ और डॉक्टर लामा है बिहार के, 3 लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट चल रही है कि बौद्धों को हिंदू धर्म से अलग किया जाए। अब हमारी संसद, चूंकि अगली संसद जब बुझ पड़ी तो वीरेंद्र ये विनीत मौर्जी चूंकि मेरे से लिंक कर लिया, बोले भाई साहब यार मेरे पास ये बहुत सारा एविडेंस है और आप इनको देख लो और मैं चाहता हूँ याचिका सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि की पड़े। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो राम जन्मभूमि की जितने मुकदमे भारत में है सभी को मैं फाइट करवाना चाहता हूँ, चाहे संकिसा है, चाहे बुद्ध गया है, चाहे रीवा है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे मुंबई के तमाम बौद्ध स्मारकों का कब्जा और उनको खाली कराना है, मैं तो सभी पे चाहता हूँ, एक दो और कर भी रहा हूँ कम से कम। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ, विनीत मौर्य, मैंने कहा मुझे सेट दो, मैंने सारे के 5-5 सेट करवाए, फोटो स्टेट 2-4 वकीलों को बांट दिया और मेरे पास आज भी है, जितने भी एविडेंसेस हैं राम जन्मभूमि से, जितने भी खुदाई उदाई सभी मेरे पास है, निब्रहण आयोग, ये आयोग, वो आयोग, सारे मेरे पास अभी भी। तो अब सुनो क्या होता है, मैंने फिर अंबिका राय सुप्रीम कोर्ट के मेरे अच्छे एडवोकेट हैं जो ब्राह्मण मेश्राम के सारे मुकदमे देखते हैं, मेरे एडवाइजर हैं, वो मेरे बेटे के सीनियर भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी वहाँ कहा, उन्होंने कई मुकदमे जीते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये भी हमारा विकेधुनी के पास था, ये केकेएल गौतम जी को मैंने कहा और 2-1 लोगों को कहा, तो उससे मैंने बात की भाई फीस कम दे देंगे, फिर केकेएल गौतम ने बोला ठीक है, आप गौतम जी आप कह रहे हो, मैंने कहा भाई मेरे घर आए हैं बहुत अच्छे मित्र हैं और ये टालना चाहते हैं, क्योंकि 5वीं दम संसद में ये तय हो गया था कि इसको हम डिबेट में लाएंगे, डिस्कशन पर, और बहुमत से पास करके हम इसको सेट करेंगे। तो भंते सत्यपाल महाथेरा ने कहा कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, यहाँ पर गया में आरएसएस बीजेपी बहुत हावी है, आप इसको बहस में ना ला कर ना सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगा दो, एविडेंस तो बहुत है आपके पास। तो मैंने कहा चलो मैं दिल्ली जाकर इसको करवा देता हूँ, मैंने बातचीत किया और उस दिन क्या नाम जो है शायद ऐसे बहुत आप जानते होंगे, उस दिन मीटिंग थी रामलीला मैदान में, दीक्षा था उनका भीम सेना, संडे था ना, संडे को मैंने चैम्बर खुलवा के विनीत मौर्य की मीटिंग करवा दी सुप्रीम कोर्ट में और वो एग्री हो गए, ये लग गई बढ़िया, टाइप भी मैंने देखा मैटर, बहुत सारे एविडेंस सही लगे, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो बात विनीत मौर्य मैं कहता था कि भाई मैं चलूँ साथ में, नहीं नहीं आपकी जरूरत नहीं है, बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है, ठीक है। मैं हर हफ्ते रिपोर्ट लेने लगा, कह गौतम उनसे भी,
और अभी जब चलने लगा तो मुझे बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे आर आर गौतम जी फोन कर रहे हैं, रोनी वाले इनकी बेटी आर्मी गार्ड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कह रहे सब लोग तो ये कह रहे हैं विनीत मौर्य जी भाई साहब बिल्कुल जीत रहे हैं, आप टेंशन मत लो हमारे पक्ष में आ रहा है। अरे मैंने कह रहा हूँ वो आरती मौर्य जी वो प्रदर्शन करने वाले, अरे उन्होंने गुमराह कर दिया सबको, ये कर दिया वो कर दिया और हमारे पक्ष में आ रहा है, टेंशन मत। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, बंदे ज्ञानेश्वर जी का 10 को जन्मदिन था, मैं 8 को चला गया कुशीनगर, अब वहाँ सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे कि क्या हुआ, वहाँ कम से कम 500-700 बच्चे विदेशी बहुत सारे लोग थे, मैंने विनीत मौर्य का भ्रमण कर दिया। तब तक आपको मैंने पूछा मैंने ऐसा बहुत ही बताओ उसमें क्या हो रहा है, वो प्रदर्शन भी कर रहे जंतर मंत्र में और जजमेंट भी आ गया सैटरडे के दिन छुट्टी वाले दिन आ गया, तो आपने कहा नहीं प्रदर्शन तो होगा। मैंने भंते जी को भंते जी प्रदर्शन आरती मूर्ति कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से दो बातें हमने वहाँ स्पष्ट हो गई, दो बातें या तो इस केस में पैरवी ढंग से नहीं हुई या इसमें फंडिंग हो गई रिश्वत थोड़ी हो समझता हूँ। और भी मैं केस लड़ रहा हूँ, यही केस नहीं और भी केसों में मैंने देखा है, चाहे पटना हाईकोर्ट से लखनऊ हाईकोर्ट से, यहाँ दो ही चीजें होती है, तो पैरवी क्योंकि ये केस अयोध्या वाला पहले भी केदारनाथ साक्या बरेली वाले बनते थे, केस डाला गया था लखनऊ हाईकोर्ट, देवी सिंह अशोक IPS और DP बरोड़ कई लोगों ने सपोर्ट करके पैसा इकट्ठा कर डलवाया था, लेकिन वो बंदा कई लाख रुपए लेके भाग गया और केस वही लखनऊ हाईकोर्ट में हम वहीं फेल हो गए, पहली बार इस अयोध्या केस में लखनऊ में हो चुका है ये बात और वही दिल्ली में हो रहा है। सब लोग समझिए पहले ये लखनऊ में भी इस केस में यही फंडिंग वाला और भ्रष्टाचार हो गया था, वहां यहाँ भी वही प्लान। तो अब सवाल ये है सर, जो अभी प्रथम जी अच्छे मित्र मेरे, पहले तो ये समझ लो कि बौद्धों की लड़ाई लड़ने के लिए कल मैं एक आदमी को 20 लाख रुपए की एड दिलाने के लिए गया था बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल है कुशीनगर में, तो वहाँ जो ये मौलाना आजाद में जो यहाँ पर फाउंडेशन है ना वो कहता है उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके आगे बौद्ध लिखा हो, कुशवा लिखा है, खत्री लिखा है, साक्या लिखा है, इनको फंडिंग नहीं मिलती है। बासठ सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं भी कॉपी दूंगा, कि जातियां पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जानवरों पक्षियों की होती है, घोड़े का गधे का, गधे का बकरी से, बकरी का कुत्ते से संभव नहीं हो सकता, बच्चे नहीं पैदा हो सकते, लेकिन जलवायु के हिसाब से आदमी घोड़ा काला होता है, नाइजीरिया हो चाहे सीरिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे जापान हो चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, आपस में शादी संबंध करेंगे बच्चे पैदा करेंगे बच्चे होंगे, मनुष्य जलवायु के हिसाब से घोरा काला होता है, ये बात 62 सूत्र में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध ने कही है, कई सूत्र कही मेरे पास सारी पूरी प्लानिंग है। इसलिए जातिवाद को जो बढ़ावा हो रहा है ना बौद्धों में भी वो खतरनाक है, हमको जातिवाद को रोकने के लिए और भारत में हिंदुत्ववाद के मुकाबले बुद्धत्ववाद को बढ़ाना होगा, ये पहला कंसेप्ट है। और बाबा साहब अम्बेडकर जातिवाद से क्यों टर्न लेते हुए 18 मार्च 1956 को आगरा गए थे, रो पड़े थे कि मैंने SC ST को जो आरक्षण दिया है ये पढ़ लिख करके अपने गाँव में जा करके समाज को जगाएंगे और समाज को जगाएंगे ऊंच नीच छुआ छूत जातिवाद आडंबर पाखंड को खत्म करेंगे, लेकिन अगल बगल के बाबुओं की भीड़ खड़ी है, ये अपनी बीवियों को और अपने घरों को बना रहे हैं और अधिकतर आप देख भी रहे हैं लोग सरदारी आगरा दिल्ली कानपुर मुंबई और नागपुर में कोठियां बनाते हैं, बीवियों को सोने और चांदी से पीला करते हैं, उनके समाज में ऊंच नीच छुआ छूत आडंबर मिट रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट्स ऑफ मार्टी राज अल्पसंख्यकवाद जो बुक है उसमें स्पष्ट कहा कि मेरे दो दुश्मन है, एक ब्राह्मणवाद दूसरा पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद कि उन्होंने परिभाषा बताई है ऊंच नीच छुआ छूत आडंबर पाखंड जातिवाद ढंगोसला रूढ़वाद, यह है ब्राह्मणवाद। इसको मिटाने की पेटेंट मेडिसिन भी दी है वो है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म पेटेंट मेडिसिन है, इसको चेंज नहीं कर सकता। और पूंजीवाद पर बाबा साहब काम नहीं कर पाए, पूंजीवाद क्या होता है सारे फैक्ट्री सारे अर्थ सारे कल कारखाने जमीनों पर कब्जा पैसे वालों का, बाबा साहब की प्लानिंग थी कि मैं चीन जापान कोरिया बहुत कंट्रीज है जो है चमड़े की कपड़े की स्टील की फैक्ट्रियां ला करके लोगों को रोजगार दूंगा भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन करा दूंगा, लेकिन प्लानिंग बहुत खतरनाक थी। 51 दिन के बाद बाबा साहब की डेथ हो जाती है दीक्षा लेने के बाद, 51 दिन 2 महीना के बाद जिंदा नहीं रहते। और आज क्या हो रहा है उन्होंने उसी पुस्तक में लिखा है राज एवं अल्पसंख्यकवाद में कि निजीकरण देशद्रोह के समान है, निजीकरण से जो प्रॉफिट होता है वो बनिया की जेब में जाता है और बनिया उस पैसे से जो है MP और MLA को चंदा दे करके वो सत्ता को अपने कब्जे में लेता है और अपनी मनमानी करता है, देश को गुलाम बनाता है। और राष्ट्रीयकरण से जो पैसा आता है उस पैसे से देश चलता है, उस पैसे से गरीबों की योजनाएं चलती है, देश खुशहाल होता है, इसीलिए इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज बैंकों का प्राइवेट किया जा रहा है, बैंकों में पैसा इसलिए लोग जमा करते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित हो, लेकिन बैंकों में डकैती हो रही है, रेलों को बेचा जा रहा है, जहाज को बेचा जा रहा है, कोई अम्बेडकरवादी संगठन निजीकरण का विरोध नहीं कर रहा है और बाबा साहब ने इसको देशद्रोह कहा है उसी बुक में कहा है राज्यवाद। तो अब सवाल है जब सत्ता में बैठे लोग मनमानी कर रहे हैं, सामाजिक संगठन हजारों लाखों लोगों में बटे हुए हैं और काम नहीं हो रहा, और ये जो बहन जी कह रही थी मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं, बीजेपी ने पहले धार्मिक और सामाजिक संगठन बनाया,
धार्मिक और सामाजिक सत्ता उनकी थी, हिंदुत्ववाद को बढ़ाना, और हिंदुत्ववाद के बदला आज वो भाजपा केंद्र में आ गई। कांशीराम जी ने भी पहले डीएसपोर बनाया और उस डीएसपोर सामाजिक संगठन की बदौलत वो सत्ता में आए थे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जो बाबा साहब का था ब्राह्मण और पूंजीवाद मिटाने का, वही कांशीराम का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद बहन मायावती ने साफ कर दिया, मायावती खुद साफ हो गई, खुद साफ हो गई। वो तो अखिलेश की बदौलत 10 MP आ गए, वो भी नहीं आते और आगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक बैकग्राउंड फेल है, जीरो है, कोई एजेंडा नहीं है। कांशीराम जी का एजेंडा था सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन, यही बुद्ध का एजेंडा था, ये बाबा साहब का एजेंडा था। पढ़ लो आप उनकी सारे त्रिपुटी उठा के पढ़ लो। इसलिए साथियों आज बहुतों की स्थिति बताओ क्या है, धोबी का कुत्ता घर का ना काट गया। बौद्धों की भाषा क्या है, पाली है ना, उत्तम धर्म कच्छा भी हम लोग करते हैं, वो भाषा आज भी संवैधानिक उसको मान्यता नहीं मिली है, आज भी नहीं मिली है, यूपीएससी से हटा दिया गया। ये तो मैंने हाईकोर्ट नागपुर में केस जलवा के जितवाया, यूपीएससी में दोबारा शामिल करो, उसमें 10-15 कलेक्टर DM हमारे IAS बन जाते थे। सबसे पहले शुरुआत भाषा होती है ना, सिक्कों की भाषा गुरमुखी को मानता है, भोजपुरी को मानता है, हिंदी को मानता है, उड़िया को मानता है, संस्कृत को मानता है, लेकिन बौद्धों की भाषा पाली गुलाम है, नंबर वन। नंबर टू, बौद्ध विवाह में रिजेक्ट नहीं है, 81 से राज्यसभा में धूल चाट रहा है, लेफ्ट नहीं हुआ है। स्टार क्वेश्चन मेरे पास है, मायावती MP थी, प्रकाश अम्बेडकर MP था, राज्यसभा में क्यों नहीं किया पास? ये राजनीतिक लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी धार्मिक और सामाजिक ताकत मजबूत नहीं होगी। चुनौती देता हूँ मायावती को, चुनौती देता हूँ प्रकाश अम्बेडकर को, चुनौती देता हूँ रामविलास पासवान को, क्यों नहीं राज्यसभा में बहुत विवाह कौन पास किया, बहुत लड़कियों की शादी को रखाई करार दिया गया, मेरे पास सबूत है। सिकोली डिस्ट्रिक्ट नागपुर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मुकदमे आए, मुकदमे की जजमेंट क्यों मेरे पास है, बहुत लड़कियों की शादियां पहले तलाक होती नहीं, अगर हजारों में तो हो जाए उनको रखेल करार दिया, क्योंकि बौद्ध विवाह मान्यता कानून नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट से ही आपकी कोर्ट मरी होती है और धारा 7 लागू होती है, कहां गई मायावती? 3 बार मुख्यमंत्री रही, 4 बार कहां गए रामविलास पासवान, कहां गए बुद्धगिरी मौर्य, मिनिस्टर रहा केंद्र में इंदिरा जी के साथ, 81 से राज्यसभा में लटका हुआ बिल, बिल की कॉपी मेरे पास है, बहुत संस्थाओं ने काम नहीं किया, क्योंकि भारत में बहुत संस्था है वो उनकी दुकानें चल रही है, चाहे मीरा था हो कोई हो, क्यों नहीं बौद्ध विवाह कानून के लिए प्रयास किया गया? आर्टिकल 25 सब क्लास 2 बाबा साहब तो चले गए, उसमें संशोधन क्यों नहीं हुआ, हमको सेपरेट क्यों नहीं किया? आज भी हम हिंदू हैं, आज भी संवैधानिक तौर से मैं हिंदू हूं, वैसे मैं गजेट बौद्ध हूं, भारत सरकार में गजेट बुद्धिस्ट हूं, मेरा जो है मैंने भारत सरकार से सारा रिपोर्ट चेंज किया है, हर कागज भी चेंज किया है, इसलिए मैं राष्ट्रीय धर्म संसद चलाता हूं। जब मैं गुजरात में बोल रहा था तो वहां के IAS अफसर मुझे कहा कि आपका पुराना आसाराम गौतम है और आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं, राम और गौतम, गौतम भी ब्राह्मण होता है, दिस इज ए चमार या गौतम, कोई नाटना होते आप गौतम भी लिखते हैं आप राम भी हैं, मैंने क्या करूं, हमारे बड़े बुजुर्ग आप नाम चेंज करिए। मैंने बंदे भी सुंदू को कहा नाम बताइए, मैंने कहा मैं तो निडर होकर लिखता हूँ, निडर होकर काम करता हूँ, बोले आपका नाम अभय रखता हूँ, अभय रत्न कर दिया, मैंने बौद्ध लगा दिया, अभय करा दिया, सभी लोग जितने भी कुशवा काछी ये वो चमार जाटा महार लिखते दिस इज ए नाट बुद्धिस्ट हिंदू, मैं कहता हूँ कभी कानून कहता संविधान कहता है, अगर जो भी कमेटी में रहना चाहते हैं सबसे पहले अपने नाम के आगे जो कास्ट की डिग्री जाति खत्म करें, नहीं तो आपको कोई मान्यता नहीं मिलेगी, कोर्ट आपको पूछेगा आर यू कौन है, इसे हिंदू आप आए बुद्धिस्ट की बात कर रहे राम जन्मभूमि लेने, तो कमेटी में बहुत बनने कमेटी में भाई उनसे आप बुद्धिस्ट बनिए, आप बुद्धिस्ट बनने का तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले 4 लाइन का एफिडेविट किसी वकील से बनवाइए, दिल्ली में, फतेहगढ़ में, कानपुर में, इटावा में, लखनऊ में, कहीं बनवाइए, इंग्लिश बनाइए, हिंदी बनाइए, उसकी 4-5 फोटो करा लीजिए, फोटो करा के अखबार के दफ्तर जाइए, एजेंसी में हिंदी और अंग्रेजी अखबार में उसको छपवा दीजिए कि मैंने आज अपना नाम जो है राम सिंह से बदल करके प्रज्ञा मित्र बोध कर लिया है, ठीक है, आज मुझे प्रज्ञा मित्र बोध जाना जाए, अखबार में छप गया, उसके बाद चुपचाप आप ले लीजिए, उसके बाद ये जो दिल्ली विधानसभा है उसके पीछे पीछे गजट आती है, मैं बता दूं एक मिनट खत्म कर रहा हूं, एक स्टेप रह गया यहां पर, वो कहते हैं आपको दीक्षा बौद्ध धर्म नहीं, वो तो मैं कर दूंगा तलाश पे, और वहां पर हां ये इससे पहले वहां जाके दीजिए, वहां पर आपके से दीक्षा सर्टिफिकेट मांगे किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से, भिक्षु संघ से आप दीक्षा ले लीजिए, उसकी सबकी फोटो कराइए, वहां चेक कराइए, आप अपना आधार वगैरह तो दिखाइए, वो 1100 रुपए लेंगे, फॉर्म भरेंगे, 2 आदमी की फिटनेस कराइए और उसका बजट हो जाएगा, 21 दिन में आपका बजट आ जाएगा, बढ़िया सबसे बढ़िया सरल तरीका ये है, कोई लफड़ा नहीं है, और फिर उसके बाद उसकी अपनी आधार में चेंज हो जाएगा, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, सर्विस में, सब जगह चेंज हो जाएगा, बैंक में मैंने करा रखा है, ये चीजें हैं। अब सवाल है बौद्धों की और भी समस्या है, एक ही समस्या नहीं है, संकिसा का मुकदमा मैं विचार रहा करूं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, अब धम्म पिटक भगवान बुद्ध ने वहीं पर लिखा था, सबसे बड़ा ग्रंथ है बुद्ध का, आज उस पर एक मूर्ति लगा दी, झगड़ा चल रहा है, प्रभु एडवोकेट फतेहगढ़ में देख रहे हैं, अब मैं उस केस को ट्रांसफर करा रहा हूँ, अपने वकीलों से बात कर रहा हूँ,
सेम बिहार में भी ऐसे कई मुकदमे हैं, सेम मध्य प्रदेश में भी है, सेम मुंबई में भी है, अमरावती में है। अब कहां का देखो, इसलिए हमको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। इसलिए हमने अलायंस बनाया कि आरपी जैसे क्रांतिकारी साथी और जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, तो काम नहीं पैसा कमाना हम मकसद मत रखो, काम करो, काम होगा सामाजिक और धार्मिक तौर से। इस समय झगड़ा पूरे भारत में बुद्धत्ववाद और हिंदुत्ववाद का है, और हमारे साथी इस समय धर्म के में केपी भाई साहब को मुद्दा दे झगड़ा, ये तो है, ये तो अम्बेडकरवाद या बुद्धत्ववाद और हिंदुत्ववाद चल रहा है। अब मैं दूसरी तरफ आपको ले जा रहा हूँ, दूसरी बात एजेंडे में मैं बात कहना चाहता हूँ। झगड़ा दूसरा भी है, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट आने के बाद, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट आने के बाद 42 करोड़ SC ST OBC के लड़के एमटेक बीटेक हाई स्कूल आज बिना हाथ के खाली भूखे मर रहे हैं। और इधर बाबा साहब के कहने के बावजूद कि निजीकरण होना चाहिए, निजीकरण विदेशीकरण मशीनीकरण के कारण जो 42 करोड़ लड़के बेरोजगार हैं, आज रेलवे एयरफोर्स सब जितने भी कारखाने सब बेचे जा रहे हैं। हम लोग भूख से परेशान है, हमारे आपकी बहुत भाई और हमारे जैसे लोग धर्म सिखा रहे हैं, आप धर्म में आओ वो कहते हमको पहले रोजी रोटी चाहिए। तो अब सवाल है कि आर्थिक न्याय का जो बाबा साहब का मुद्दा था वो गौर कर दिया गया, ब्राह्मणवाद पूंजीवाद दो ही मुद्दे थे बाबा साहब, और इन्हीं मुद्दों पर उन्होंने कहा मुझे आजीवन काम करना है, लेकिन पूंजीवाद का मुद्दा हमने गौर कर दिया जिससे हमारे साथ बेरोजगारी है, धर्म का मुद्दा एकदम पीछे चला गया, जबकि दोनों मुद्दे चाहिए थे। कास्टिज्म को मिटाने के लिए पैटर्न मेडिसिन में नेगा बुद्धिज्म है, तो उसी तरह से आर्थिक न्याय के क्षेत्र में काम करना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए। यूएन हंगर रिपोर्ट कहती है कि 21 करोड़ लोग डेली हम खाली पेट भूखे सोते हैं, डेली आप सर्च करो, 21 करोड़ लोग डेली बिना काम के खाली पेट भूखे सोते हैं, और 42 करोड़ हाई स्कूल इंटर बीटेक लड़के जो बेरोजगार है, कितना बड़ा IAS अधिकारी अपने बेटे को नौकरी चपरासी नहीं लगा पा रहा इस समय। तो ये भी एक समस्या है बुद्धिज्म को रोकने में। लोग कहते हैं चमार का सर्टिफिकेट लेकर मैं जाऊँ मुझे 20,000 रुपये लोन तो मिल जाएगा, ये सवाल खड़ा है, लेकिन महाटी में भी पैसा मिल रहा है। मैं सारे देश में बहुत इच्छा दिला करके लोगों को पैसा दिलवा रहा हूँ, बुद्ध विहार बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, स्कूल चलाने के लिए पैसा मिल रहा है, विदेश जाने के लिए पैसा मिल रहा है, सर ये बहुत बहुत ज्यादा मिल रहा है, मुस्लिम ज्यादा मिल रहा है, सारा फंड मुस्लिम खा रहा है, बहुत कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन जिनको नॉलेज जिनको मिल रहा है। अब लेकिन आप चाहो कि मैं हिंदू बना रहा हूँ और बौद्ध बना रहा हूँ वो नहीं जा सकता, या तो आप इस तरफ रहो या इस तरफ, या महार चमार बने रहो या बौद्ध बन जाओ, बेनिफिट होगा। तो अब सवाल है कि भूख गरीबी का मुद्दा भी है और बुद्ध हिंदुत्ववाद को बुद्धवाद का मुद्दा भी है। अब दोनों को आपको आर्थिक और सामाजिक न्याय कांसी राम जी ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो इशू था वही डिफाइन किया था बाबा साहब का, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, जो आज डेड हो गया मुद्दा। इसलिए हमारी राजनीतिक सत्ता नहीं है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन फिर मैं घुमाता हूँ जब आपका राजनीतिक और सामाजिक ताकत मजबूत होगी तो आपका राजनीतिक ताकत मजबूत होगी। लोग गलत घुमाते हैं कि राजनीतिक सत्ता पहले आ रहा हो, 20 साल तक सत्ता नहीं आएगी तब तक हम लोग सड़क पर चपरासी भी नहीं रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।